मैं डिजर्ट बाद में खाऊंगी। मैं सबसे पहले अपनी परेशान एंजॉय करती हूँ गाइस।
तो मैं ये खा रही हूँ, खमन ढोकला, मैं आपको बताती हूँ कैसा टेस्ट है। बहुत ही यम है। और ढोकलों की तरह नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो या बहुत ज़्यादा, इट्स क्वाइट मीडियम स्वीट, जो कि टेस्ट तो बहुत ही यमी लग रहा है। अब गाइस हम दाल ढोकली टेस्ट करते हैं। ये है दाल ढोकली, ये थोड़ा लिटिल बिट स्वीट है, बट इट मतलब बहुत ही टैप्टिंग लग रहा है खाने में गाइस। ये दाल ढोकली इज अमेजिंग। तो मुझे देखते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसा लगता है मेथी के साथ में, मेथी के पेपर के साथ में मटर पनीर। वाह गाइस, ये कॉम्बिनेशन आप लोग भी ऑर्डर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लग रहा है टेस्ट में, बहुत ही टेम्पटिंग है। और अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ दम आलू। लेट्स सी दम आलू कैसा लगता है। गाइस मैं फर्स्ट टाइम मेथी के ढेपले को दम आलू और मटर पनीर के साथ खा रही हूँ। ये दम आलू मैं डिजर्ट ट्राई करने वाली हूँ, तो मैं ये ट्राई करूँगी बासुंदी। लेट्स सी की टेस्ट भी कैसी है इसी यहाँ का। गाइस बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, बहुत ही अच्छी है बासुंदी, और इस मौसम में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। Now let me try one more thing. तो इसमें इन्होंने दिया है ये घेवर, जो कि राजस्थानी डिश होती है घेवर। ये बहुत ही अमेजिंग है, मुझे तो जयपुर राजस्थान दिया दिला दी, तो ये घेवर बहुत अच्छा है। और अब हम ट्राई करेंगे बेसन का हलवा। आज की डिश में डिजर्ट्स भी तीनों हैं इनके। ये भी बहुत अच्छा है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे सबसे अच्छी डिश कौन सी लगी, तो मुझे सबसे अच्छा घेवर लगा। इट्स अमेजिंग टेस्ट, और ऑल ओवर सारी चीज़ें बहुत अच्छी है गाइस। तो गाइस इसके आउटलेट मुंबई में चार जगह पर हैं, लोअर परेल में है, और शायद मलाड में भी है, और गोरेगांव में फिल्म सिटी के वहाँ पर है, और एक अब जुहू में मेरे साथ आप इन्जॉय कर ही रहे हैं। तो टोटल चार आउटलेट हैं गाइस आपके पास में, जो भी नियरेस्ट है आप उसको विजिट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं प्रीमियम लग्जरी थाली। तो गाइस इस अगर आप देखेंगे कहीं भी आप जाएंगे महाराजापुर में, तो उनके टाइमिंग्स होते हैं पर्टिकुलर, तो आप 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का लंच का मेन्यू होता है, क्योंकि 12 बजे ओपन होता है, और शाम के टाइम पर ये 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही रहता है। तो उसी टाइम पर आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 24 आवर्स में ही स्टार्ट होता है, ओपन नहीं होता है। तो ये आप इसी टाइम पर ही अपना लंच प्लान कर सकते हैं, या शाम को 7 से 11 के बीच में 7 PM to 11 PM आप अपना डिनर प्लान कर सकते हैं। तो गाइस मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, और मैं कोई एक चीज़ और इनको करना चाहूँगी गाइस, वर्किंग डेज में मंडे टू फ्राइडे 649 रुपीज़ प्लस टैक्सेस होता है, और अगर वीकेंड में जाएंगे सैटरडे संडे गाइस तो 699 रुपीज़ प्लस टैक्सेस होता है। तो ये वीकेंड में होता है, अगर हॉलीडे हुआ, हॉलीडे है उस दिन, तो भी 699 प्लस टैक्सेस रहेंगे। तो गाइस ये इनके प्राइसेस हैं। तो गाइस आई वुड रिकमेंडेड ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ आप अपने आसपास के आउटलेट में महाराजापुर में जाइए, और ये मल्टी कुजीन प्लीज़ इंजॉय कीजिए, क्योंकि एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस करना बनता है। 699 रुपीज़ में ये वर्थ है गाइस, आप एक ही थाली में इतने सारे फ्लेवर्स का मजा उठा सकते हो। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ अभी मैं इंजॉय करती हूँ अपना सारा फूड, और मुझे तो एक एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, कोई ज़्यादा मीठा नहीं है, कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, फैमिलीज इंजॉय कर सकती है आके। और इस तरीके की बड़ी वाली जो थाली होती है, जो चार जन को आराम से बैठे आप दोस्त और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मनाने वाली फीलिंग आती है गाइस आज मुझे तो। और अगर आपको वाकई वीडियो एंड तक बहुत प्लीज़ देखकर जरूर, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस देखते हैं पान टेस्ट में कैसा, क्योंकि मैं ज़्यादातर खाती नहीं हूँ, तो कुछ ऐसा सा दिया है इसमें, एज ए माउथ फ्रेशनर दिया है, तो देखते हैं पान टेस्ट में कैसा है। इसमें लिटिल बिट खुलकर
बाड़ी और जो भी मस्ती से लगती है थोड़ा, मुझे तो कभी पसंद है, लेकिन अगर गाय फिर आप पाल लवर हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हम लोगों के लिए।